गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 8 में यूनिट 9 की एक्सरसाइज पार्ट 4 के रूप में 154 पर की है वो आज हम करेंगे। तो बच्चों, ओपन द टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 154। आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं कि एक मैप है और कुछ क्वेश्चंस है, तो हमें उसके आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज डॉटेड लाइन ऑन द मैप शो, यानी कि मैप में वो जो डॉटेड लाइन है, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं कि वो क्या शो करती है। तो ये है डॉटेड लाइन, वो आप देख सकते हो कि अजय के हाउस से स्कूल तक जो डॉटेड लाइन है, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो कि अजय का हाउस है, वहाँ से डॉटेड लाइन शुरू होती है और जो स्कूल है तब तक वो डॉटेड लाइन है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट आंसर, द डॉटेड लाइन ऑन द मैप शोज अजय रूट फ्रॉम हिज हाउस टू हिज स्कूल। उसके घर से स्कूल के बीच में जो रास्ता है वो डॉटेड लाइन है। तो आप अपने नोटबुक में बच्चों ये आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट है, व्हाट रोड वुड अजय टेक टू गेट टू बोट क्लब, यानी कि अजय को जो बोट वहां जाना है तो वो कहां से जाएगा, यानी कि कौन सा रोड यूज करेगा। तो अजय का घर और जो बोट का जो है, तो वो कस्तूरबा गांधी मार्ग वो यूज करेगा, वहां से उस वो सरलता से मिस आसानी से पहुंच सकेगा। तो हम लिखेंगे, अजय वुड टेक कस्तूरबा गांधी मार्ग एरिया, कौन सी बिल्डिंग पिकनिक एरिया के नेक्स्ट मिस बाजू। तो बच्चों, आप देख सकते हो अपने टेक्स्ट बुक में जो मैप है, तो पिकनिक एरिया के नेक्स्ट कौन, पिकनिक एरिया के नेक्स्ट में कौन सी बिल्डिंग है। तो क्या है बच्चों, इंडिया गेट। तो हम लिखेंगे, इंडिया गेट इज नेक्स्ट टू द पिकनिक एरिया। व्हाट रोड पासिस बाय अजय's हाउस, अजय के पास से कौन सा रोड पास होता है। तो बच्चों, आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो कि रिंग रोड है, रिंग रोड पास होता है। तो हम लिखेंगे, रिंग रोड पासिस बाय अजय's हाउस।
इसे लिख सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट अदर वे कुड अजय यूज टू गेट फ्रॉम हिज हाउस टू हिज ग्रैंड मदर्स हाउस। दूसरा कौन सा रास्ता है जो अजय अपनी दादी माँ नानी माँ के घर तक पहुँच सकता है? तो बच्चों, कस्तूरबा भी रोड है, रिंग रोड भी रोड है, और डॉटेड लाइन उसके सिवाय एक अशोका रोड है, उससे भी वो अपनी दादी माँ के घर जा सकता है। तो हम फिफ्थ का आंसर लिखेंगे, ग्रैंडमदर हाउस। अजय कुड यूज अशोका रोड टू गेट फ्रॉम हिज हाउस टू हिज ग्रैंडमदर्स हाउस। तो जो अजय है वो अशोका रोड से भी अपनी दादी माँ के वहां जा सकता है। नेक्स्ट बच्चों, टर्न द पेज। और एक दूसरा है बच्चों, नाउ राइट यूज वर्ड्स लाइक गो टर्न, यूज प्रेपोजिशन लाइक अक्रॉस बिटवीन इन फ्रंट ऑफ बेसाइड्स नियर बिहाइंड राइट हैव यू गेट टू होम फ्रॉम स्कूल। तो ये जो प्रेपोजिशन के माध्यम से आपके स्कूल कैसे जाते हो, आपको अपनी तरह लिखना है जैसे मैंने आपको लिखा है। तो बच्चों, ये जो एक्टिविटी है वो आपको अपनी तरह लिखनी है। तो आप जैसे घर से स्कूल आते हो कैसे और कहाँ से आते हैं, तो आपको अपनी तरह लिखना है। नेक्स्ट है, लेट्स लिसन। डू यू लाइक टू फ्लोट पेपर बोर्ड्स? फ्लोट मीन्स तैरना। तो क्या वो जो पेपर बोर्ड्स तैरते वो आपको पसंद है? लिसन टू द पोएम गिवन बिलो। यहाँ जो एक पोएम हो आप सुन सकते हो। डे बाय डे आई फ्लोट माय पेपर बोर्ड्स, यानी कि दिन ब दिन मैं हर रोज जो कागज की नाव होती है वो मैं बहाता हूँ। किसमें बच्चों? पानी में। वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम, वो जो रनिंग स्ट्रीम में जो बहती धारा होती है उसमें मैं बहाता हूँ। इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माय नेम ऑन देम, वो जो नाव है, जो कागज की नाव है, उस पर मैं मेरा नाम भी लिखता हूँ। एंड देम एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव, मैं मेरा नाम तो लिखता हूँ उसके साथ साथ मेरे गांव का नाम भी लिखता हूँ कि मैं जहाँ रहता हूँ। आई होप दैट समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड वी फाइंड देम एंड नो हु आई एम, मैं अपने नाम के साथ साथ मेरे गांव का नाम इसलिए लिखता हूँ कि कोई जो स्ट्रेंज मीन्स कोई अनोखे पर्सन मीन्स हमें जानते न हो, ऐसे पर्सन मीन्स अननोन पर्सन भी हमें जान सकते कि मैं कौन हूँ, इसलिए मैं मेरे गांव का नाम भी लिखता हूँ। आई लोड माई लिटल बोर्ड्स विद शुली फ्लावर्स फ्रॉम अवर गार्डन, मैं उस जो नाव में छोटे छोटे जो फूल है वो भी रखता हूँ। एंड होप दैट ब्लूम ऑफ द डाउन विल बी कैरिड सेफली टू लैंड इन द नाइट, यानी कि वो जहाँ भी जाए उनको भी पता चले कि ये जो नाव कहाँ से आई है, इसलिए मैं हमारे गार्डन में से छोटे छोटे जो फूल है वो भी नाव के अंदर रखता हूँ। तो बच्चों, आप अपनी टेक्स्ट बुक में एक बच्चा है वो एक पानी में और
एक जो बोट है कागज की नाव पानी में है और एक उनके हाथ में है, और नीचे एक जो कागज की नाव में जो फूल है शुली फूल है वो भी हम देख सकते हैं। तो उससे बच्चों हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स नीचे दिए तो हमें करने। डिस्कस विथ योर पार्टनर हाउ यू वुड सेंड अ सिमिलर मैसेज टू समवन, यानी कि आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करो कि जैसे अपना जो फ्रेंड है वो कागज की नाव के माध्यम से दूसरों को मैसेज देता है तो आप कैसे मैसेज दोगे। तो बच्चों कभी कई जो बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पानी की बोतल होती है उससे भी वो मैसेज देते, तो हम लिखेंगे फर्स्ट आंसर वी कैन सेंड अ सिमिलर मैसेज, मैं भी ऐसे मैसेज भेज सकता हूं बट कैसे। वी कैन जो आप ये आंसर है वो ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑल्सो फाइंड आउट हाउ पीपल सेंड मैसेज इन ओल्डन डेज एंड हाउ दे सेंड देम नाउ, यानी कि पहले ओल्डन डेज में लोग कैसे मैसेज सेंड करते थे और अभी यानी कि नाउ डेज में लोग कैसे मैसेज सेंड करते। तो बच्चों हमने जाना है कि पहले के समय में जो लोग थे वो पीजन के जरिए मैसेंजर के जरिए और पोस्ट के जरिए से मैसेज सेंड करते थे, और अभी के जो लोग हैं वो टेलीफोन एंड ईमेल के जरिए मैसेज सेंड करते हैं। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं इन ओल्डन डेज by telephone and email। बच्चों ये पास्ट की बात है और सेंड ये और प्रेजेंट की बात है तो सेंड है, तो आप ऐसे अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। नेक्स्ट बच्चों टर्न द पेज लेट्स राइट सी द पिक्चर ट्रैवल टाइम बिलो आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यहाँ एक पिक्चर है तो हमें कुछ आंसर देने हैं। वेयर डिड यू गो फॉर एन एक्सकर्शन मींस हॉलीडे, आप हॉलीडेज में कहाँ घूमने डिड मींस गए थे, यानी कि आप जब आपकी हॉलीडेज थी तो आप कहाँ घूमने गए थे। तो बच्चों आप जहाँ भी गए हो तो आप लिख सकते हो। मैं यहाँ लिखूंगी आई वेंट टू
वे शिमला गए। आप जहां भी गए हो वो भी लिख सकते हो। विथ whom did you go? आप किसके साथ गए? तो मैं लिखूंगी I went there with my family. मैं मेरी फैमिली के साथ गई। जो पिक्चर है उसका उस पर से भी आप आंसर लिख सकते हैं। What was the first thing you saw when you reached your destination? आप वहां गए तो सबसे पहले आपने क्या देखा था? तो मैंने मॉल देखा था। I saw mall. आपने जो भी देखा हुआ वो आप लिख सकते हो। What did you like best about the place? वहां सबसे अच्छी जगह आपको क्या लगी? तो I like best about the place tall pine trees. मुझे वहाँ जो pine tree था वो जगह मुझे अच्छी लगी। तो हम मैं लिखूंगी I like best about the place tall pine trees. Over there of green. तो मुझे ये जो प्लेस है वो बहुत अच्छा लगा। How long did you stay there? आप वहाँ कितने देर तक रुके थे? तो मैं लिखूंगी I stayed there for 3 days. हम 3 दिन वहाँ रुके थे। What did you miss about home? आप अपने घर में से ऐसी कौन सी चीज थी वो आपने मिस की? तो कंफर्टेबल जो हमारे घर में होता है वो वहाँ नहीं होता, तो मैं वो मिस किया। तो मैं लिखूंगी आई मिस कंफर्ट ऑफ माय हाउस। जैसे मैं घर में कंफर्ट रहती हूँ वैसे वहाँ कंफर्ट नहीं था, इसलिए मैं वो मिस किया। तो आप ऐसे बच्चों लिख सकते हो। सीखना है और उसके सेंटेंस लिखने, तो हम लिखेंगे फर्स्ट सेंटेंस मेक सेंटेंस यूजिंग द टू न्यू वर्ड्स व्हिच यू लर्न इन द लेसन। आपने आपको ऐसे दो वर्ड्स जो आपने इस लेसन में से नए सीखे हैं उस पर आपको सेंटेंस बनाना है। तो फर्स्ट है क्राउड। क्राउड मीन्स भीड़। आप लिख सकते हो There was a big crowd outside the theater. थिएटर के बाहर बहुत भीड़ थी। ग्रम्पी मींस गुस्सा। तो हम लिख सकते हैं My neighbor is a grumpy old man. मेरे जो नेबर है वो गुस्से वाले व्यक्ति हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट पेज, थर्ड नंबर। Would be more fun traveling by aeroplane or sailing on a ship? आपको कौन सी ट्रैवल में आपको बहुत अच्छा लगेगा? Right? Why you think so? तो बच्चों सभी को एरोप्लेन में ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो ऊपर से माउंटेन्स, रिवर, सिटी और सी सब कुछ देख सकते हैं। तो हम लिखेंगे I think, थर्ड का आंसर
rivers, cities, and seas on the moon. इसलिए ट्रैवलिंग अच्छी लगेगी. I think traveling by aeroplane would be more fun. I would give me a view of the mountains, rivers, cities and seas from the above. तो आप ऐसे अपनी नोटबुक में लिख सकते हो. उसके बाद है बच्चों, look at the following word there. Group name. तो किसके ग्रुप को क्या कहा जाता है, तो वो आप अपनी तरह सीख लेना, यानी कि लिख कर ही दिया है. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक यूजिंग ग्रुप वर्ड्स. तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो. फर्स्ट है द ट्रैवलर्स रेस्टेड अंडर द क्लंप ऑफ ट्री, यानी कि जो ट्रैवलर्स थे वो पेड़ की आड़ में, क्लंप ऑफ ट्री मीन्स पेड़ की आड़ में वो आराम कर रहे थे. वहां आराम करना, तो फर्स्ट में आएगा क्लम्प. नेक्स्ट द कोयर भजन, सॉरी द कोयर सिंग ब्यूटीफुली, गाना बजाने वाला खूबसूरती से गाया. तो बच्चों कोर सिंग गाना बजाने वाला खूबसूरती से गाया. नेक्स्ट द बंच ऑफ फ्लावर वॉज लाइंग ऑन द टेबल, बंच ऑफ फ्लावर मीन्स फूलों का गुच्छा मेज पर पड़ा था. तो बंच ऑफ फ्लावर. द गर्ल लुक ऑफ द क्लस्टर ऑफ स्टार्स, लड़की ने सितारों के समूह को देखा. क्लस्टर ऑफ स्टार्स मीन्स सितारों का समूह. द हंटर शॉट सॉरी फिप द बैंड ऑफ रॉबर्स एस्केप, लुटेरों का जो गिरोह था वो फरार हो गया. बैंड ऑफ रॉबर्स. नेक्स्ट द हंटर शॉट एट द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स मीन्स पक्षियों का जो झुंड था उस पर शिकारी ने गोली चलाई. तो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. बच्चों आप अपनी तरह इस तरह लिख सकते हैं. नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर पे. देखो बच्चों, समवन डिस्क्राइब एक्शन मेनी ऑफ देम इन एलवाई. द गर्ल डांस ब्यूटीफुली, एक लड़की अच्छी तरह से सुंदर डांस कर रही थी. द गर्ल स्लीप्ड साउंडली, जो लड़की थी वो चुपचाप सो गई. साउंडली वो चुपचाप सो गई. द चिल्ड्रन फिनिश देयर वर्क क्विकली, बच्चे शान से अपना काम फिनिश कर दिया. द ओल्ड मैन शाउटेड लाउडली, जो बूढ़ा था वो जोर से चिल्लाया. लाउडली. द बॉयज प्लेड क्वाइटली, जो लड़के थे वो चुपचाप खेलते थे. क्वाइटली. तो आप बच्चों ऐसे लिख सकते हो. नेक्स्ट पांच पेज. डू यू वर्क नीटली, क्या आप अच्छी तरह से काम करते हो. नीटली. आई कैन डू द सम इजिली, में सम है वो इजिली कर सकता हूँ. इजिली. तो बच्चों आप है वो ही आप आंसर लिख सकते हो. नेक्स्ट है विच कंट्री वुड यू लाइक टू विजिट वेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े होगे तो आपको किस कंट्री की विजिट यानी कि मुलाकात लेनी पसंद है. मेक अ प्रोजेक्ट बाय ड्रॉइंग और पेस्टिंग, आपको उस पर एक एक्टिविटी करनी है कि आपको जो भी कंट्री पसंद है उसका मैप आपको ड्रॉ करना है यानी कि पेस्ट करना है. उसका नेशनल फ्लैग कौन सा है, स्टैम्प ऑफ कंट्री
स्टैम्प कौन सा है, करेंसी कौन सी है और उसके फेमस मोमेंट ऑफ और वहाँ के लैंडमार्क्स फेमस कौन सी है। तो आपको ये एक्टिविटी करनी है आपकी तरह, आपको जो भी कंट्री पसंद है उस पर से आपको ये एक्टिविटी करनी है। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट डू यू नेट दैट देयर आर सेवन वंडर्स इन द वर्ल्ड, मीन सात अजाइबी जो हम हमारी मातृभाषा में कहते कि आप उसके बारे में जानते हो। कैन यू टेल द नेम ऑफ द वन विच इन इंडिया, इंडिया की एक कौन सी है। तो बच्चों हमने सीखा था कि द ताजमहल है इंडिया की। फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ द ऑल सेवन वंडर्स एंड द कंट्रीज दे आर लोकेटेड इन, आपको सेवन वंडर्स लिखने मीन्स अजाइबी लिखनी है और कौन है और किस कंट्री की है तो वो लिखनी है। तो हम लिखेंगे जो सेवन वंडर में हमारे इंडिया का जो ताजमहल है वो भी आता है। तो फर्स्ट इज द ताजमहल, दूसरा इज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना की दीवार, तीसरा है पिरामिड, नेक्स्ट है हैंगिंग गार्डन्स मीन झूलता मीनारा, नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सॉरी स्टैच्यू ऑफ संगोल। तो ताजमहल की कंट्री कौन सी है, तो बच्चों इंडिया। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो वो कहाँ है, तो वो चाइना में है। पिरामिड इजिप्ट में है। हैंगिंग गार्डन बेबीलोन में है। स्टेच्यू ऑफ सन गॉड ग्रीस में है। बच्चों आप ये अपनी नोटबुक में लिख सकते हो जो सेवन वंडर्स है वो। सिक्स है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो वो इंडिया में है, वो हमने आगे लिखा। उसके बाद है बच्चों स्टेच्यू ऑफ जीसस, सिक्स नंबर, ऐसे लिख सकते हो। बच्चों ये जो एक्सरसाइज है वो आपको करनी है। नेक्स्ट है फन विद साउंड, कुछ वर्ड्स है उसके उच्चार एक समान है लेकिन उसके अर्थ अलग है। कैप सी पी कैप मिस टोपी, सी ए पी ई कैप मिस लादना, एम ए टी मेट मिस चटाई, एम ए टी ई मेट मिस दोस्त, पी आई एन पिन मिस पिन, पी आई एन ई पाइन मिस जो ट्री होता है उसको कहा जाता है, एन ओ टी नोट इतले कोई नहीं, एन ओ टी ई नोट इतले ध्यान देना, के आई टी किट इतले किट, के आई टी किट मीन पतंग, एस आई टी सीट मिस बैठना, एस आई टी ई साइट मिस पॉइंट पॉइंट सेंटर, एफ आई एन फिन इट मिस पंक, एफ आई एन ई फी फाइन मिस ठीक मिस अच्छा, एच ए टी हेट मिस टोपी, एच ए टी ई हेट मिस नफरत करना, सी यू टी कट मिस काटना, पी आई टी मिस बाइट पीट, क्यू यू आई टी मिस लीव छोड़ना, डी आई डी मिस शोर नॉइस
नॉइस मीन्स बहुत आवाज करना। तो बच्चों यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें हम वर्कबुक लेकर बैठेंगे ताकि उसकी जो एक्सरसाइज है वो हम अच्छी तरह कर सकें। तो बच्चों थैंक यू।